जय हिंद साहब सुनो। तो चलिए आज लोग पॉलिटी का एक अच्छे टॉपिक और जिससे भर भर कर क्वेश्चन पूछा जाता है वह टॉपिक आज का है राज्य का नेतृत्व दर्शक सिद्धांत या राज्य का नेतृत्व दर्शक तत्व। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं इसे। ठीक चलिए तो साथियों अब हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लासों को। ठीक है चलिए शुरू किया जाए। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो वर्णन है वह भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51 में है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना यह वाद्य योग नहीं है क्योंकि आप इसकी सहायता से सीधे न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यह जो है राजनीतिक मान्यता पर आधारित है यानी इसमें किसकी मान्यता है राजनीतिक मान्यता है। किसकी मान्यता है राजनीतिक मान्यता है इसमें कानूनी मान्यता नहीं है जबकि मौलिक अधिकार में जो था वह कानूनी मान्यता था। ठीक है चलिए अब जो है इसमें आपने देखा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या राज के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अब हम लोग याद करेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किसका किसका वर्णन है। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छी तरह से आप सुनते रहिएगा उसके बाद जिस तरह से हम बोलेंगे नोट्स बनाने के लिए उस तरह से आप बना लीजिएगा। पहला अनुच्छेद 36 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 38 कहता है कल्याणकारी समाज की अभिवृत्ति की स्थापना करता है या कल्याणकारी समाज की स्थापना करना है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है कल्याणकारी समाज की स्थापना करना है। अनुच्छेद 39 के क कहता है निशुल्क विधिक सहायता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 39 के क में किसका वर्णन है निशुल्क विधिक सहायता का वर्णन है। निशुल्क विधिक सहायता का वर्णन अनुच्छेद 39 के क में निशुल्क विधिक सहायता का वर्णन अनुच्छेद 39 के क में। अब चलिए अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत के संगठन का वर्णन करता है। अनुच्छेद 40 किसका वर्णन करता है ग्राम पंचायत के संगठन का वर्णन करता है। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 41 की ओर। अनुच्छेद 41 क्या कहता है कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोकतंत्र की सहायता पाने का अधिकार सभी के पास है। चलिए ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है लास्ट में आपको बनाना है नोट्स अभी नोट्स नहीं बनाना है। ठीक है चलिए अभी केवल सुनना है। ठीक है अनुच्छेद 41 क्या कहता है कुछ दशाओं में
काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार का वर्णन करता है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मनुचित दशा तथा प्रसूति सहायता का वर्णन करता है। फिर से सुनिए, अनुच्छेद 42 किसका वर्णन करता है? काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता का वर्णन अनुच्छेद 42 करता है। अनुच्छेद 43 कहता है मजदूरों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? मजदूरों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 44 कहता है सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता या एक समान सिविल संहिता का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 44 में है। एक समान नागरिक संहिता या एक समान सिविल संहिता का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 44 में है। उसके बाद अनुच्छेद 45 कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और इसे आप जो है अनुच्छेद 21 के कौ में भी पढ़े होंगे। तो अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुच्छेद 46 कहता है SC ST दुर्बल वर्गों के लोगों को शैक्षिक व आर्थिक हितों से उसकी अभिवृद्धि करनी चाहिए। यानी अनुच्छेद 46 कहता है SC ST या दुर्बल वर्ग के जो लोग हैं उसको शैक्षिक और आर्थिक रूप से उसके हित में जो है उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? अनुच्छेद 47 कहता है पोषण स्तर को ऊपर उठाना चाहिए, पोषण स्तर को प्रोत्साहन देना चाहिए और हानिकारक जो पदार्थ है उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषण स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए और हानिकारक पदार्थों को प्रतिबंधित करना चाहिए, हटाना चाहिए, खत्म करना चाहिए। चलिए अनुच्छेद 48 की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन का संगठन का वर्णन करता है। अनुच्छेद 48 किसका वर्णन करता है? कृषि और पशुपालन के संगठन का। कृषि और पशुपालन का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 48 में। कृषि और पशुपालन का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 48 में। यही एक चीज और याद रखिएगा, इसी के बगल में आप लिख लीजिएगा कि अनुच्छेद 48 के क में जो है पर्यावरण के संवर्धन और संरक्षण का वर्णन है, वन्य तथा वन्य जीव के संरक्षण का वर्णन है। अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण का वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 48 के क में। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय स्मारकों के या स्थानों का संरक्षण करना चाहिए। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या स्थानों का संरक्षण करने का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या स्थानों के संरक्षण का वर्णन किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 49 में दिया गया है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक करना है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करना है, किसमें दिया गया है? 50 में। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 50 में। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में। उसके बाद अनुच्छेद 51 लास्ट अनुच्छेद आता है। अनुच्छेद 51 में दिया गया है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन जो है सो अनुच्छेद 51 में है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किसमें है? अनुच्छेद 51 में है। चलिए अब मात्र हम 1 से 2 मिनट में पूर्ण तरह से फिर से रिविजन कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसका वर्णन भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य है समाज, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यह वाद्य योग्य नहीं है, इसमें राजनीतिक मान्यता है, इसमें कानूनी मान्यता नहीं है। इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में जो दिया गया है, अब सभी को देखेंगे बारी बारी से। अनुच्छेद 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 कहता है कल्याणकारी समाज की स्थापना करना है। अनुच्छेद 39 के क कहता है निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 39 के क में निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन का वर्णन है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का
वर्णन है अनुच्छेद 41 में, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता का वर्णन है। अनुच्छेद 43 में मजदूरों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिक संहिता का वर्णन या एक समान सिविल संहिता का वर्णन अनुच्छेद 44 में किया गया है। अनुच्छेद 45 कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 46 कहता है एससी एसटी और दुर्बल वर्ग के जो लोग हैं उसको शिक्षण, शैक्षणिक और आर्थिक तरह से हित में उसके संरक्षण किया जाएगा, उसकी सहायता किया जाएगा। अनुच्छेद 47 कहता है पोषण स्तर को ऊंचा उठाना है और जो भी हानिकारक पदार्थ है उस पर प्रतिबंध लगाना है। अनुच्छेद 40 कहता है कृषि और पशुपालन का वर्णन करना है। अनुच्छेद 48 के क कहता है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन का वर्णन है एवं वन्य जीव का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 39 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का जो है उसका संरक्षण करना है। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक करना है। अनुच्छेद 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति का वर्णन है। आप लोग क्या कीजिए, लास्ट जो टाइम आता है अब हम बोर्ड पर से साइड होते हैं, आप रोक करके एक बार जो है मात्र 5 मिनट लगेगा आपको लिखने में, इसी तरह से लिख लीजिए और आप इस तरह से रट जाइए कि याद हो जाए। आप 1 से 2 बार सुनिएगा तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। हम इस तरह से डेराइव किए हैं, आप अगर बुक से पढ़िएगा तो याद नहीं होता होगा, लेकिन हम जो डेराइव किए हैं इसको इस तरह की कि मैथमेटिकली टर्म में पढ़े कि कम समय में हमें याद हो जाए, ठीक है। देखिए 10 से 15 मिनट में जो है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत खत्म हो रहा है, तनिक बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आपको याद क्या क्या रखना है, चलिए जिस डिश में हम स्टार्ट लगा रहे हैं सभी को याद रखिएगा। ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है, इसे सिद्धांत से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद चलिए अनुच्छेद 38 को याद रखना है, कल्याणकारी समाज की स्थापना करता है। अनुच्छेद 39 के क को याद रखना है, निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन का वर्णन है। उसके बाद चलिए अनुच्छेद 43 मजदूरों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, अनुच्छेद 43 में। उसके बाद याद रखिएगा अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का वर्णन, अनुच्छेद 44 में है। उसके बाद सीधे पहुंच जाइए 48 पे, 48 पे अनुच्छेद 48 क्या कहता है कृषि और पशुपालन, और 48 के क में पर्यावरण के बारे में दिया गया है, वन और वन्य जीव के बारे में दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 50 आपको याद रखना है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन दिया गया है। उसके बाद 51 आपको याद रखना है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए दिया गया है। 49 भी याद रख लीजिएगा। इतना टोटल कितना पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.1 याद रखिएगा। आपका नीति निर्देशक सिद्धांत से जो क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से बना सकते हैं, मात्र 11 पॉइंट, कितना 11 पॉइंट याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। इतना ही से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इससे अलग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है, हमारा विश्वास करेंगे और आप अच्छी तरह से लिख लेंगे। चलिए जल्दी में आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है, जिस जिसने स्टार्ट लगाया है उसे याद रखिएगा, ठीक। तो जो भी दोस्त YouTube पर देख रहे हैं तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और ये कुछ दिन और डेमो क्लास चलेगा, ठीक है, तो जो पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो वह जुड़ सकते हैं, और जो जुड़े हुए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्लास को खत्म करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।